तो भाई कितनी जबरदस्त बारिश हो रही है ना। ये देखो गाड़ी खड़ी है ना, मैं इसको थोड़ा धो के आता हूँ। इसमें मिट्टी बहुत फंसी है पैरों में। सुबह सुबह उठ के ना इतनी बारिश हो रही है, दिखाता हूँ। अब जैसे बारिश हो रही है ना, सभी गाड़ियाँ रुक गई हैं अपने अपनी जगह पे, कोई नहीं रिस्क लेता ना। हाँ जहाँ आयु गाड़ी का भाई। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नारकंडा। आज हमें जगह का नाम पता है नारकंडा नहीं, ये शिलारो। नारकंडा से 10 किलोमीटर पहले आपकी जगह। तो दो तीन दिन से यहीं पे हमने स्टे कर रखा होता है और इतना मजा आया ना भाई, देख लिया होगा अपने लोग वगैरह में, पता नहीं कहाँ पहाड़ पूड़ घूम के आया। आज समय आ गया हमारा वापस घर जाने का, और मेरा गला खराब हो गया, पता नहीं क्या, मैं दुख रहा बड़ा है गला। तो भाई अब ना बारिश इतनी तेज हो रही है ना, मैं दिखाता हूँ आपको, इतनी तेज बारिश हो रही है ना, अब देखना ये कि हम आज जाए या ना जाए, क्योंकि आज ऐसी बारिश में गाड़ी जाना खतरा भी हो सकता है। तो देखते हैं, बारिश भी स्लो मतलब स्लो ही है वैसे, पर पता नहीं ना कि कब लैंडस्लाइड हो जाए। पर जो मर्जी को, मौसम तो बड़ा अच्छा हो गया है यहाँ पे। और पापा यहाँ सुबह से मेरे से पहले ही उठ रखे, पर अब तक रेडी नहीं हुए हैं। मुकेश अमन जी भी आया सुबह सुबह हमारे घर, हमारे रूम में। ओ भाई ये देखो बादल गरज रहे हैं। पापा थोड़ा घूम के आगे गाड़ी में, ठीक है, मैं आगे थोड़ा गाड़ी में घूम के आया, नहा लेना फटाफट। दो तीन दिन से पता गाड़ी तो मैं ही चला रहा हूँ यहाँ पे, नारकंडा घूमे जा रहे हैं यहाँ पे, कभी आगे जा रहे हैं कभी पीछे जा रहे हैं। और पता है इनका जो होम स्टे ना, ये भी सारा तैयार हो रहा है। देखो यहाँ पे दो फ्लोर और बनेंगे ऊपर, और इधर इनकी सारी पार्किंग होगी। जब ये बन जाएगा ना, एक साल के अंदर बन जाएगा ना ये, फिर देना कितना सही लगेगा। ये गाड़ी टेढ़ी लगी हुई है, पानी तो नहीं अंदर आएगा। तो आगे तो घुमा है, पर हमें एक भी चाय वाला नहीं मिला अभी। इतने सुबह सुबह कौन ही मिलेगा यार चाय वाला। मैं तो चाय ढूंढने गया था आगे, यहाँ पे दूध खत्म हो गया, उसके चाय नहीं मिली। अच्छा गाड़ी निकालनी है। तो भाई मुकेश जी हमारे यहाँ चाय लेके आए हैं। मौसम तो अब तक साफ नहीं हुआ, लगता बारिश होती रहेगी पूरा दिन आज तो, है ना। रुकी की बारिश की नहीं आज, देखते हैं क्या बनता है आज। पर चाय पीते हैं यहाँ पे। चलो भाई टाइम हो चुका है अभी 10, और अब हम निकलने लगे हैं यहाँ से। आप सीधा हम जाएंगे यहाँ से चंडीगढ़। सामान वगैरह पैक कर लिया, और पापा ना फिर से सो गए इसलिए हम थोड़ा लेट हो गए। पापा उठे फिर तैयार वगैरह हुए, तो अब निकलने लगे हैं। और यहाँ चाबी तो पापा के पास, जल्दी आओ। अब आएंगे अगली बार, फिर से आएंगे और बाइक लेके आएंगे अब, ठीक है। बाइक लेके आएंगे फिर और जगह घूमेंगे यहाँ पे। तूने चलना साथ चंडीगढ़। अबे चल है जगह, चल चल ना, क्या करेगा यहाँ पे तू, फ्री तो है, चल बड़े। मैं फिर बाइक पे आऊंगा, फिर मेरे साथ आ जाओ फिर से। तो इसी बहाने में बाइक जल्दी ले आऊंगा ना फिर, नहीं तो अभी 2-3 महीने रुकना पड़ेगा मेरे को। चलो पापा। अरे चलो जी, सुबह 7 बजे उठ रखे हम और अब निकल रहे हैं 10 बजे। ठंडी इतनी खतरनाक हो गई ना यहाँ पे। भाई जहाँ भी जाते ही मिल जाते हैं। ओ भाई तो भाई यहाँ पे ढाबा दिखा, सोचा कुछ खा रहे थे, सोच कुछ खाए नहीं है। चलो भाई हमारा ये कालू हमें लेके जाएगा आज पहाड़ पे। चलो चलो चलो, कहाँ लेके जाएगा हमें बता, मेरे को मतलब, हमें क्या मेरे को। हम गाड़ी में आए ना, तुम्हें लगता है ना ट्रक भरे होते तो होता है, ट्रक भरा हुआ है ना पूरा, जो मर्जी है देखना था। वो आगे पेड़ ऊपर जा रहे हो, कोरा ही कोरा हो गया यहाँ पे। तो भाई अभी ना हम वहीं से जा रहे हैं जहाँ से हम आए थे। अभी हमने वहाँ पीछे ना पुलिस वाले से पूछा, तो वो कहते हैं ऊपर ना जो रोड जा रही थी ना अलग, वो थोड़ा खतरनाक भी होगा और रोड पतली है, साथ में वहाँ से टाइम ज्यादा लगेगा, वहाँ पे हमें 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। यहाँ से चलो जरा ट्रैफिक में फंसना पड़ जाएगा, पर मेन हाईवे रहेगा ये। तो जी आगे यहाँ से रोड बंद है, वापस घुमानी पड़ रही गाड़ी। अब जो रास्ता मैं बता रहा था ना आपको, जहाँ लेफ्ट मुड़ने वहीं से जाना पड़ेगा हमें। ये रोड निकलेगा सीधा हमारा सोलन को, शिमला जो रोड है ना, फागू में रोड गिरी है, ठीक है, फागू में रोड गिरी है, तो वो शिमला वाला रास्ता उन्होंने बंद करा हुआ है। तो यहाँ से जाना पड़ेगा बार बार से, यहाँ सीधा निकलेगा हम सोलन को। भाई साहब रोड देखो कितना सुंदर है यहाँ का। एक तो यहाँ पता नहीं भाई क्या ही है, सुबह से यही कह रहे थे, बादल इतने ना यहाँ पे, बादल ही बादल, एकदम आ जाते हैं एकदम हट जाते हैं। गाड़ी तो कैसे ला रहा है, मेरे से छीन ली गाड़ी इसने, गाड़ी हाईजैक हो गई है यहाँ पे। आज चंडीगढ़ तक गाड़ी हम लेके जाएंगे। ओ भाई क्या बात है, क्या बात है।
तो जी अभी यहाँ से ना गाड़ी घुमा के पता कहाँ लेके जाने लगे, जहाँ पापा दिख रहे हैं अभी गाड़ी यहाँ लेके जाएंगे ऊपर, देख रहे हो भाई साहब ऑफ रोडिंग करने को मिल गई ना आज, तो देखना पड़ेगा यार ये तरह मोमेंटम बना के चलना पड़ेगा। हाँ बोल की भरी पास 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 बैग ही जाएगी बड़े जोर से, आप कह रहे मुड़ने की जगह है यहां पे कहां नहीं लोकल ले जाते मैं कह ये देख ले लोकल ले जाते देख ले और हमारे पास की बात नहीं है, पैदल चलो थोड़ा सा आगे ना गाड़ी यहीं रखो, हां गाड़ी यहीं रखते हैं ना, हां जा सकते हम और क्या करते आप जाओ आप घूमो, हां चलते मैं आ रहा सुना कितनी प्यारी जगह ना, ओ क्या व्यू हो आपको जहाँ गाड़ी जा रही है कार वो पार्ली साइड उसी ऊपर में ये बहुत बड़ा महल था राजा का महल है, कहाँ तो बता रहे भाई यहाँ थे राजा राजा थे वो वहाँ रहा करते थे, देखो एक सेकंड ये चकमा रही है रास्ते में और कैसे अलग सी जगह मिली और नए लोगों से मिलने को मिल जाता है, पहले हम वो वहाँ थे उस पेड़ के पास फिर यहाँ से ऊपर चढ़ के हम फिर वो उधर गए थे घूम के, इन अंकल भी है अंकल नीचे रहते ऊपर ही, ऐसे ऐसे जगह पे लोगों ने घर बनाए होते देख रहे हो, रोड से नहीं लगता ये सब पता कि कैसे कैसे रास्ते होंगे यहाँ पे, रोड तो ऐसे काफ़ी ख़राब है, बहुत बड़ी हमारी गाड़ी ये थोड़ा ये जो मोड़ है नहीं वाला ये थोड़ा सा टफ लग रहा है देखने में, रास्ता तो है गाड़ी के जाने का, देखते हैं हम अपनी गाड़ी वहीं से बैक कर लेते हैं, इसकी लेना भाई यहाँ पे आगे आगे ऐसा हो कहाँ घूम के आ रहे हो हैं यहीं रहते ऊपर ऐसे तुम देख रहे ड्रोन ऊपर से आराम से जाना बस धीरे 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 हाँ बस थोड़े इधर घुमा इधर घुमा मेरी तरफ मेरी तरफ आने से मेरी तरफ उधर मत कर, हाँ अब आने से पीछे घुमा दे पूरी, हाँ ऐसे ऐसे घुमा दे पूरी, हाँ बस क्या कर रहे जो भी गाड़ियाँ दिखे ना आपको कि जल्दी में आ रही उनको भेज दो आगे, बस तो गाड़ी चलाने का मजा आ गया, ऑफ रोडिंग भी कर ली है ऐसी रोड पे भी चला ली, ये सारी ढलान उतर रही है भाई 5 घंटे का रास्ता भी यहाँ से हा? तो जी ये वाला रोड जाएगा अब सोलन को, ये सीधा रोड जाके निकला सोलन, कुछ नहीं आने वाला उससे पहले, अब ये हमारा एकदम नया रोड है नया एक्सपीरियंस है, इस रोड पे कभी नहीं आया उससे पहले, इतने खतरनाक रोड पे देखो गाड़ी चला रहे आज हम GTS की हैवी ड्राइवर भाई, ये अलग एक्सपीरियंस है एकदम यहाँ पे आने का, ओ भाई साहब पूरी ऑफ रोडिंग है यहाँ तो देख रहे हो, अपनी हुंडई वैन की पूरी टेस्टिंग करेंगे यहाँ पे आज, चलो जी रोड खाली हो गई है अब हम निकलेंगे यहाँ से, ये थोड़ा सा ही पैच होगा मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं है, यहाँ पे काम चल रहा है ना थोड़ा रोड का, बस आगे फिर रोड आ जाएगी सही, सोलन ऊपर ये क्या लिखा चौपाल चौपाल इधर पानी चौपाल क्या कोई काम वो होगा हमें क्या करना, तो भाई अब जाके आइए यहाँ मेन रोड शुगर है वो सारा कीचड़ वाला रास्ता खत्म हुआ, तो सोलन पता अभी यहाँ से कितना है 78 किलोमीटर सोलन है अभी भी यहाँ से इतना दूर, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से ऐसे निकालते गाड़ी, और गाइस पापा यहाँ पे डर रहे हैं मेरी ड्राइविंग से भाई ट्रक कैसे मर मर के आ रहे हैं गाड़ी ने कैसा तेज की ओके का मेरे पीछे गए नहीं क्या समझ आ रहा है, चलो भाई रोड ना सही है बड़ी पतली है ये मेरी और मेरा ऐसे रोड पे पहला एक्सपीरियंस है, आंधा आंधा कोई ना भाई साहब गाड़ी का हालत देखो एक बार, देखो आप गाड़ी कैसी चमक रही है गाड़ी कैसे शाइन मार रही है, वाह अब तो ये बाहर से साफ करानी पड़ेगी बाहर से, अभी ना पीछे हमें एक झरना दिखा तो रुके हम यहाँ पे, भाई रोड सही में खतरनाक है यार देख रहे हो कहाँ कहाँ से गाड़ी निकाल के ले जा रहा हूँ मैं, ये ना सुंदर वाटरफॉल भाई लोग कहाँ चढ़ रहे हैं, ये पेड़ भी गिर रखा है यहाँ पे देख रहे हो कैसे चढ़ रहे ऊपर,
तो जी सोलन यहाँ से रह गए हैं 66 किलोमीटर। सामने से आ रहा है ट्रक, उसको देंगे हम पास। आओ ट्रक साहब, निकल जाओ आप। वो गाड़ी देखना, ये देखो भाई ये होते ही हिमाचल के ड्राइवर। पतली रोड है यार ये, पता नहीं कब खत्म होगी गली रोड पर। तो भाई टाइम देख लो अभी क्या हो रहा है, 8:50 और अब जाके हम पहुंचे हैं कहाँ, सोलन। अब अभी मेन हाईवे आने पे नहीं आ रहा, पर यहाँ रुके थे अभी हम चिकन के पकौड़े खाने। बस भाई यहाँ से थोड़ा बहुत खा के बाकी मेरे खाना खुना नीचे जाके खाएंगे सोलन में, ठीक है ना। बस यार ये रोड क्रॉस हो जाए ना फिर टेंशन फ्री हो जाएंगे। पर ये ना सर दुख रहा है ना अभी, रोड पहाड़ भाई पहाड़ देख देख कर ना थक गया अब मैं, पता है सुबह से इतना घूम रहे हैं ना। बस अब हमारे पापा ये 12 किलोमीटर औखे सोखे निकाल दो आप। पर ना हम सोच रहे थे कि ना यहाँ पे रूम ले लेंगे, पर ना हम यहाँ पे एक भी रूम नहीं मिला, सिर्फ यहाँ पीजी है। बस 10 किलोमीटर रह गया है, इस 10 किलोमीटर हमने औखे सोखे निकालने अपने, ठीक है जिंदगी के, उसके बाद हमारे मजे है। रास्ते में लगाई गाड़ी मैंने, सो जाओ। चलो फिर थोड़ा देखो सही, उधर आगे क्या हो गया, उधर आगे क्या हो गया, उधर वो देखो क्या हो गया आगे, वो क्या हो गया देखो आगे। और चलो उठ, मैं पूरे रास्ते में धर्मपुर सोते हुए आ रहे हूँ आराम से। फाइनली घर की शांति मिली भाई। ओ भाई धर्मपुर के बाद तो मैंने ऐसी गाड़ी खींची ना, सीधा घर आके ब्रेक मारी मैंने 12:30 बजे। उठो उठो, सामान सामान फ़ोन वगैरह ले रहा हूँ बस मैं, बाकी सारा सामान सुबह निकालेंगे। हेलो, कैसा रहा सफर? ऐसा महाघड़िया सफर मैंने आज तक नहीं करा। हाँ आए, कैसे खुश हो जाएगी काका? हाँ मेरे काका,